मैं सर सबसे पहले आ गया। जी सर। एक्चुअली क्या था ना सर, वो उनका कॉल आ रहा था कनाडा से, क्योंकि मैंने बताया ना सर कि वो अब उन्होंने अपने फ्लायर्स वगैरह बना लिए हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं। तो वही बोले थे मैं आपका सिर्फ एक दो जो भी आप क्लाइंट दोगे उसको डाल के फिर मैं अपना वीडियो जो है उसको प्रोफेशनली अपलोड करने जा रहा हूँ। तो उसको उन्होंने पे किया उसे एड्स और बाकी चीज़ों का। तो बोले थे फिर बार बार चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा जल्दी कर दो ताकि स्टार्ट करें। श्योर श्योर सर, मैं अभी ही करता हूँ, आज ही करता हूँ, यानी रात तक आपको रिप्लाई आ जाएगा सर। ठीक है सर, तो क्या दे देंगे तो मैं उनको रात को भेज दूंगा, तो फिर वो सुबह मैं उसको स्लाइड को डाल के अपने वीडियो में वो पेटेंट वाला उसको ऐड कर देंगे, इधर फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सर। जी सर। बस कौन कौन आने वाले थे कुछ बताया किसी ने? आज सर हाँ सर, आज के सेशन के लिए कौन कौन आने वाले कुछ बताया तुमने? सभी लोग को तो बोला है, ऐसा नहीं कोई किसी को नहीं कहा, ऐसा नहीं है, बट लेट्स सी कौन कौन आते हैं सर। सर बोला तो सभी को ही है। तो वैसे टाइम हो गया है तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट और हो चुके हैं। सर हाँ सर ये सर वहां से डाउनलोड किया हमने। ये हेलो, सर दिखाई दे रही है सर स्क्रीन? जी हाँ सर स्टैंड दिखाई दे रही है सर, आईपी पे नॉर्मल 2.0 स्टडी बुक। सर, जी सर। ये सर आईपी पेनोरामा का स्टडी बुक है, तो ओके सर आईपी पेनोरामा 2.0, जो वन पॉइंट ओके सर ओ हुआ था पहले जब कोरोना था ओके तब सर हुआ था, अब 2.0 हो रहा है। तो ओके ओके ये 2.0 को हम आज रिवाइज करने जा रहे हैं, अभी के लिए हम ये रिवाइज कर रहे हैं। परफेक्ट। ठीक है सर। अब इसमें है हाँ, अब इसमें सर पूरी थियरी भी दी गई है, एग्जाम्पल्स अच्छा सर भी दिए गए हैं, एंड पूरे सारे वीडियोस, शायद 10 आवर्स के वीडियोस हैं बनाकर, वो सारे पढ़ने हैं। फिर 80% आपकी मार्क्स भी होने चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें होती है सर। आप पार्टिसिपेट कर पाओगे एग्जाम में। हेलो, तो सर इसके लिए तो आई थिंक सर 29 अप्रैल का एग्जाम है ना सर इसका? 28 का एग्जाम है सर, 28-29। यस सर। अभी तक तो मैंने पढ़ाई भी नहीं, तो 80% कहाँ से पूरा हुआ सर इसका? तो शुरुआत इसका में सर क्या मतलब, सारे मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था। वीडियोस भी देखने पड़ेंगे सर, सारे वीडियोस में भी टिक आने चाहिए, तभी जाके वो कंसीडर होगी एग्जाम नहीं के लिए। वीडियोस तो मैं देख लूंगा सर, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो तो मैं ट्रैवल करते करते सर बैठ के देख लूंगा। मोबाइल से वीडियो नहीं चलते सर इसके। नहीं चलती है लैपटॉप से ही चलाना होगा। लैपटॉप से? जैसे क्या लैपटॉप भी 24 घंटे कैरी करता हूँ मैं, तो लैपटॉप तो हो पे कर जाएगा, लेंगे। तो हो जाएगा। क्योंकि सर अभी भी क्या है, जैसे आज मेरी 11 बजे की फ्लाइट है, वो लेट हो गई है, और एयरपोर्ट में पहुंच गया था सर 7 बजे, तो 3-4 घंटे थे। मुझे आइडिया होता तो मैं आज ही 4 घंटे खत्म कर देता। अब सर देखिए, अब ये सारी चीजें हमें काम ही आएगी, वैसे आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर भी काम आएगी। इन लोगों ने बहुत ही सर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है सारी चीजों को। मैं अगर आपको ओके बताऊं तो ये देखिए, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज आईपी। दो टर्म आते हैं, एक होता है आईपी, एक होता है आईपीआर। तो करेक्ट आईपी सर ठीक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है सर आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो करेक्ट सर अब
आईपी और आईपीआर में क्या डिफरेंस है, यानी ये दो टर्म्स कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, डू यू नो दैट? सर देखिए, जहाँ पे राइट्स आ गया वहां पे अपना एक तरह से अधिकार आ गया, राइट्स आ गया तो। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो सर आई थिंक ये जेनरिक टर्म है, जहाँ पे कि आपका एकाधिकार नहीं होता उस चीज पे, बट वो एक डोमेन है जहाँ से कि आपको पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। बिलीव मुझे ऐसा लग रहा है सर, मतलब राइट्स मतलब हमारा जो किया काम किया वो वहाँ पे अधिकार आ जाता है, और जहाँ पे कि कोई और काम कर रहा हो कुछ नई चीजें पता चल रही है वो आई थिंक आईपी में आते हैं। True, सर जी, सारंग सर सुन पा रहे हैं? जयंत सर शायद नहीं सुन पा रहे हैं, अभी ज्वाइन हो रहे होंगे। तो सर ये आपने सही कहा कि जहां पर भी राइट्स आते हैं वहां पर हम आईपीआर यूज करते हैं। राइट्स का मीनिंग हुआ कि देखिए सर, आईपी तो डोमेन हो गया ओपन, बहुत सारे डोमेन हो गए। करेक्ट सर, हाँ एक बिजनेस के लिए बहुत सारी आईपी होती है, बट सर, आईपीआर जिस चीज के लिए वो प्रोक्योर करते हैं अपने राइट्स को, उसे ही हम करेक्ट आईपीआर कह सकते हैं। जैसे कि मैंने, अगर मुझे अगर सर, कोटक करके कोई ब्रांड नेम रखना है, तो हाँ सर, कोटक करके ब्रांड नेम हाँ में अभी रख नहीं सकता हूं, सर, बट अगर कोटक ब्रांड को मैं अगर रजिस्टर करवा लूं ट्रेडमार्क के तौर पे, तो वो मेरी राइट्स होगी। और वैसा ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस चैप्टर शोज यू हाउ आईपी हैज बीन चेंजिंग द वर्ल्ड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन द बिजनेस फील्ड। बिजनेस फील्ड में क्यों आईपी का इम्पोर्टेंस है एंड आईपी किस तरीके से दुनिया को बदल रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो लर्निंग पॉइंट से यहाँ पर आईपी इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आईपी वर्सेस आईपीआर, आईपी इज ऑल अराउंड अस, सभी जगह पर आईपी है। द रिलेवेंस ऑफ आईपी आईपीआर टू अ बिजनेस एंड आईपी एंड आईपीआर स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। तो लर्निंग आउटकम है आइडेंटिफाई फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी दैट मे बी पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ आईपीज होते हैं? जैसा कि अपना पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, एंड वन डिजाइन हो गया सर। जी पांच राइट्स आपने बताए, पेटेंट, सर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड डिजाइन, हाँ सर, चार और है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हाँ, पांचवा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी हो सकता है, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी भी हो पास सकती है, ट्रेड हो सीक्रेट गया भी हो सकता है, समय के अंदर सर। बहुत सारे आईपी राइट्स है, बट बेसिकली यही पांच डोमेन किसी भी एक चीज को लगते ही लगते हैं, एक बिजनेस को ये पांच डोमेन लगते हैं। कहीं कहीं पर ट्रेड सीक्रेट वैलिड नहीं है, कोई कोई कंट्री में, कोई कोई कंट्री में वैलिड है, तो वहां पर ये पांच डोमेन लगते हैं मेनली, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन एंड ट्रेड सीक्रेट। क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन आईपी एंड आईपीआर। तो जिस तरीके से हमने देखा अभी बात की कि आईपी यानी मेरे दिमाग में कुछ भी आया तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बट क्या वो प्रॉपर्टी मैं रजिस्टर करवा सकता हूं, इसका मीनिंग हुआ कि क्या मुझसे पहले किसी और ने ये रजिस्टर करवा के रखी है कि नहीं रखी है। ये चेक करने के बाद भी अगर मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो दिमाग में आई हुई चीज है वो नोवल है, तो मैं उसको राइट्स बना सकता हूं, अदरवाइज मैं उसको राइट नहीं बना सकता हूं, भले ही वो मेरे दिमाग में अभी आई है, माइट बी पॉसिबल कि वो मुझसे पहले किसी और के पास आ चुकी है। करेक्ट सर, आर्टिकुलेट व्हाई आईपी इज इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस। आईपी क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर आगे जाके बताया हुआ है। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द बिजनेस एंड द आईपी स्ट्रेटजी। बिजनेस एंड आईपी स्ट्रेटजी के बीच में अलाइनमेंट होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आईपी सारे राइट्स प्रोटेक्ट कर लिए, मगर वो राइट्स सारे एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही हमें मिलते हैं। तो क्या जब भी हम आईपीआर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो पहले आईपीआर प्रोटेक्ट करना चाहिए, बाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए?
या फिर पहले बिजनेस तो स्टार्ट कर लेना चाहिए फिर आईपीआर प्रोटेक्ट करने चाहिए, या फिर बिजनेस को भी स्टार्ट करो और साथ साथ में आईपीआर को भी प्रोटेक्ट करो, कौन सी स्ट्रेटेजी किस फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, ये बहुत अच्छी तरीके से यहां पर बताया हुआ है। तो ये मुझे जानने में एक नई चीज मिली कि किस तरीके से आईपीआर को इंप्लीमेंट करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी कहां पर इंप्लीमेंट करनी चाहिए वो एग्जाम्पल के साथ यहां पर बताया गया है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात यहां पर मुझे निकल के बाहर आ रही है जो आईपी पेनोरामा कोर्स है वहां से। नहीं सर, ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब क्योंकि हर एक बिजनेस का अपनी एक मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि मतलब हर एक को एक तरीके से नहीं चला सकते सर। मतलब अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो उसमें तो आप सर पहले आईपीआर कर ही नहीं सकते, जब तक कि आप सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करेंगे, कुछ चीजें नहीं बनेंगी तो फिर उसके बाद ही आप आईपीआर पे जा पाते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कि आप फार्मास्यूटिकल्स है, वहां पे तो आपको पैरेलली दोनों को चलाना पड़ेगा, हम एक साथ वेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई जब वो होगा तब हम शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये। तो ये सर बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे 10 घंटे में इन्होंने कवर किया है कि कैसे ओके सर, आईपी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें डिजाइन को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, फिर ट्रेडमार्क को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, पेटेंट कब डालनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिकली बताया है। नहीं सर, देखेंगे साथ साथ में ही, बट ये यस सारी सर, इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर कवर हो रही है। तो सबसे ओके पहले सर, चलते हैं हम इंट्रो पे। यही इंट्रो सभी जगह पर, बहुत ही अच्छी बात यह है कि हर एक जगह पर आपको एक वीडियो की लिंक दी गई है, यानी ये कितने सेकंड में कवर हो रहा है वीडियो में ये बताया गया है। ये मुझे एक यस सर, इंटरेस्टिंग फीचर लगा। और आप देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट वीडियो है M1, यानी फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट स्टूडियो सर, करेक्ट, पोर्शन का फर्स्ट वीडियो, उसकी 7 मिनट एंड 7 सेकंड पे ये जो केस स्टडी लिखी हुई है वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो की फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वीडियो में 7 मिनट एंड 7 सेकंड पे जाके ये पूरा चीज आप केस स्टडी को देख सकते हो कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। ये एक बहुत बिल्कुल ही सर, अच्छा फीचर है बुक लिखने के लिए, मुझे अच्छा लगा ये पूरा इनका जो फॉर्मेट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नहीं सर, यहाँ पर वाकई लिखा अच्छा हुआ लग रहा है देख के। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटू इनोवेशन कंटिन्यूज टू रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर इनोवेशन के साथ क्लब कर दी जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, ये बात लिखी है। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज बिकम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इन बिजनेस। अगर बिजनेस के हम टेंजिबल एसेट की बात करें तो बिजनेस की जो जमीन है, बिजनेस का जो पोटेंशियल है आउटकम निकालने का, पर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन रेट है या वहां पर से जो नफा आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, वो तो प्रॉफिट आ ही रहा है, दैट इज टेंजिबल। बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे आईपी की वैल्यू ग्रो करती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि गूगल ने जब स्टार्ट किया था, तो गूगल ने जब अपना काम स्टार्ट किया था तब शायद उस पर्टिकुलर गूगल वर्ड की, ट्रेडमार्क की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी। बट अगर अब हम गूगल की वैल्यू अगर निकाल ले जाए तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि गूगल एक सर्च टर्म बन चुका है, एक वेल नोन ट्रेडमार्क बन चुका है। तो अगर इस बार कोई गूगल को परचेज करने जाए तो गूगल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, दैट्स वाई इट इज इनटेंजिबल। और आज के 10 साल के बाद अगर कोई गूगल को परचेज करना चाहेगा तो तब शायद गूगल की वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यही चीज बताना चाहता है कि हमें अपने बिजनेस के साथ, अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कि जो हम मार्केट में सर्व कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं पीपल्स को, सोसाइटी को, तो वहां पर हमें अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी जितना वो प्रोडक्ट ग्रो होगा। सो दैट इज बिल्कुल इनटेंजिबल, वो टेंजिबल आप कर ही नहीं सकते, वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, स्काई इज द लिमिट। वही सर, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर एक कंट्री के अंदर अगर हम आईपी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो इट इज वन एज गुड एज अ इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो आईपीआर अपने जितने स्ट्रांग होते जाएंगे सर, उतनी ज्यादा अपनी अल्टीमेटली बिजनेस लाइन ग्रो करेगा, इट विल बी अल्टीमेटली एडिंग द इकोनॉमी टू द कंट्री।
सर। फिर यहां पर एक केस स्टडी दी गई है, फ्रॉम द टेलीफोन ठीक टू द स्मार्टफोन। तो कैसे है। आईपीआर ने, आईपी राइट्स ने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने पूरा रिवोल्यूशन ला दिया है, फ्रॉम द ग्रेहम बेल्स फर्स्ट टेलीफोन टिल डेट जो हमने स्मार्टफोन बना के रखे हैं, वो सारी चीजों में लिखा है, फ्रॉम मिप्सी मिप्सिस मेयूसिस 1871 वॉइस अपरेटस टू बेल्स 1876 टेलीफोन, फोन एवोल्यूशन अंडरस्कोर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो यहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमें समझ में आती है कि पहले हमारे पास टेलीफोन थे और आज हमारे पास नेटवर्क के थ्रू चलने वाले मोबाइल फोन है, जो जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। और अब और करेक्ट। भी इवोल्यूशन आया है चाइना में कि वो सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे हैं फोन को, तो वो भी एक एक्सेस आ रहा है कि अब टावर्स भी निकल जाएंगे मोबाइल के। सर उसके लिए जो है क्या कहते हैं, ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये जो स्टार एक्स जो है इनका अपना कहते हैं ये ना सर, हाँ जिनका टेस्ला है, क्या नाम है उनका, एलोन मस्क, हाँ एलन मस्क, उन्होंने तो ऑलरेडी सर अपने सैटेलाइट 40 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, और ग्लोबली जो है वो प्लान ये कर रहे हैं कि जो इंटरनेट का डेटा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा थ्रू सैटेलाइट हो जाए, सो दैट की जो रिमोट लोकेशंस पे आपके टावर्स एंड बाकी जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगी, एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट इज ऑल्सो गेटिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस, बिकॉज एक तो रिमोट लोकेशंस पे आपको सिग्नल पहुंच गए एंड कॉस्टिंग भी कम हो गई, बिकॉज वो 40 सैटेलाइट से पूरे वर्ल्ड ग्लोब को वो कैटर कर रहे हैं, एंड आई थिंक इंडिया में ऑलरेडी इन्होंने कुछ इस पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया कि कैसे इंडिया में इसको लॉन्च करना है, तो एलन मस्क का तो ऑलरेडी सर चल रहा है, एंड जिस दिन वो लॉन्च हो जाएगा इट विल बी बिग रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। सर, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किसे कहा जाता है, तो उसका ये बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से स्मार्टफोन में ग्रोथ हुई है, दैट इज करेक्ट टेक्नोलॉजिकल। सर। यूजर डिमांड फ्यूल्स इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस वाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूजर की जो डिमांड्स है वो इनोवेशन को लीड कर रही है, वो इनोवेशन के लिए फ्यूल है। तो डिमांड करेक्ट। को अगर सही तरीके से हम समझेंगे तो इनोवेशन हर जगह पर है, हर एक प्रोडक्ट में है। अगर हम उसके यूजर के पास जाके पूछे कि भाई आपको ये प्रोडक्ट यूज करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो हमें एक नया एक इनोवेशन मिलता है। सो दैट इज रिटन, यूजर डिमांड फ्यूल्स इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस वाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एज सच आईपी इज रिफ्लेक्टेड इन एवरी प्रोडक्ट अराउंड अस एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू अवर डेली लाइफ। तो बहुत ही ज्यादा हमारे साथ मैच करने वाली चीज है। हालांकि इंडिया में इतना अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, या इतने क्या कहे कि सभी लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोक्योर करने के लिए अभी इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इन नियरेस्ट फ्यूचर। सर उसका सिंपल से रीजन यह है कि सर उसका रीजन सिंपल से है कि सर गवर्नमेंट अभी लीगली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुई इन चीजों को लेकर, जिस दिन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जैसे यूएस में सर गाइडलाइंस हैं कि भाई अगर आप एप्पल को भी सैक कर सकते हो तो सर कुछ भी कर सकते हो, तो वो सर सिनेरियो भी इंडिया में एप्पल, नहीं है सर। हाँ सर एप्पल का भी केस इसमें डिस्कस किया गया है, फिर उबर का भी केस डिस्कस किया गया है कि उबर ने जो एक्चुअली उबर ने ये जो चीजें की है ना, यस उबर सर। करके जो राइड्स जो ले रहे हैं, दैट इज द ट्रेड बिल्कुल सीक्रेट ऑफ द गूगल। तो उबर ने बाकायदा केस लड़ा था और वो हारा है, और बाद में उन्होंने गूगल को पेमेंट भी किए। तो अच्छा ये ट्रेड सीक्रेट था गूगल का, गूगल के साथ। और एप्पल का भी कुछ ऐसा केस है, जो सारे बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग केस भी लिए गए हैं। एक केस की मैं अगर आपको बात करूं तो एक केस ऐसा इसमें बताया गया है कि एक बंदर ने अपनी फोटो निकाली, बंदर के सामने एक कैमरा रख दिया गया, कैमरा के साथ पूरा स्टैंड रख दिया गया, एंड बंदर ने अपनी फोटो निकाली। तो अब ओके वो फोटो पे राइट्स किसका होगा, कैमरा जिसका है उसका होगा, या फिर जिसने फोटो निकाली यानी वो बंदर का होगा? आपका क्या कहना है सर? कॉपीराइट की हम बात करें तो सर जो
और प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उसका कॉपीराइट रहेगा, क्योंकि अगर उसने उसको यूज किया सर, प्रोडक्ट तो आप कैमरा तो सबके पास है सर, बट हर एक फोटोग्राफ कॉपीराइट में नहीं आता अनटिल अनलेस आप उससे फोटोग्राफ खींचते हैं, तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीराइट, इट मे बी पेटेंटेड बट इट कैन नॉट बी कॉपीराइट सर। अब सर उसमें हर एक देश के कॉपीराइट की जो रूल्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, और इस केस के अंदर ऐसा है कंक्लूजन कि काफी सारे कंट्रीज ने ऐसा लिखा हुआ है कि जिसने वो फोटो खींची है उसका राइट रहने का, और हाँ वही मैंने बोला ना सर। काफी सारे कंट्रीज में ऐसा है कि फोटो खींचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है उसकी जो ओनरशिप जिसके पास है एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ टाइम उसके राइट्स रहेंगे। तो इन इन द कंक्लूडिंग मैनर, एक में राइट्स ओनर के पास जा रहा है, एक में राइट जो पर्सन या फिर जो भी एनिमल्स है जिसने भी वो फोटो क्लिक की है उसके पास जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसे डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर। सर बट इन दैट केस अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो फिर पेटेंट और कॉपीराइट में फर्क क्या रह जाएगा कॉपीराइट्स पेटेंट में हो में सर? क्योंकि इस केस में जैसे कैमरा है, अब कैमरे को आप बोल रहे हैं कि जिसपे कैमरा लिखा है उसका कॉपीराइट जाएगा उस फोटोग्राफ का, ठीक है सर। बट सर हम प्रोडक्ट का अगर फिर वो पेटेंट का और फिर कॉपीराइट में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा सर, जिस कंट्री में इस नहीं टाइप का सर, नहीं रेगुलेशन सर, है। नहीं सर, देखिए सर, कॉपीराइट की जो एक्सपायरेशन है, ड्यूरेशन, वो मरने के बाद 60 इयर्स के लिए इंडिया में है। रहती है हाँ वैसे ही सर बाहर के देशों में 75 इयर्स भी हो सकती है, 90 इयर्स भी हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। बट इन करेक्ट सर जनरल मरने के बाद 70 इयर्स या 75 इयर्स तक इसके राइट्स रहते हैं, दैट इज बिल्कुल सर करेक्ट ऑब्जर्व इन मेनी कंट्रीज। तो सर कॉपीराइट बहुत ज्यादा देर तक एक्सपायर नहीं होता है, बट पेटेंट जो है पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए वो तो 20 बरस में ही फ्रीडम टू ऑपरेट के लिए चला जाता है। तो बिल्कुल कॉपीराइट सर एक, आप आपने अपने जो आर्ट को, वो बंदर ने जो स्माइल की होगी, जिस तरीके से फोटो खींचा होगा, उस फोटो का यूज अगर कहीं पर हो रहा है तो दैट इज कॉपीराइटेड इश्यू। नहीं वो बिल्कुल ठीक है सर आपका, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था सर कि जिस बंदर ने फोटोग्राफ खींची उसके पास राइट आने चाहिए या जिसने कैमरा बनाया? तो जिसने सर कैमरा बनाया है बिकॉज अब सर कैमरे में जो आपका आपने उसमें पांच फीचर डाल दी कि भाई नाइट मोड भी है, डे नाइट मोड है, कुछ भी मोड है सर, ठीक है। अब जब मैं फोटोग्राफ खींच रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर वो सुबह हो रही है तो मुझे किस मोड में फोटोग्राफ खींचनी है, तो दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली डिसाइडेड बाय द कैमरा, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द यूजर हु क्लिक्स द फोटोग्राफ। तो इन दैट केस कॉपीराइट हमारे ख्याल से सर उसको होना चाहिए बिकॉज वो इनोवेटिवली उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर कर रहा है, एंड हो सकता है कि हर एक आदमी उस मोमेंट को कैप्चर ना कर पाए, तो डेफिनेटली मतलब दैट इज माय वे ऑफ थिंकिंग सर, बाकी जो भी है यू शुड एक्सेप्ट। नहीं, सर ये सारे केसेस ऑलरेडी लड़ चुके हैं, यानी कंक्लूजन आ चुका है इसका, एंड वो कंक्लूजन यहाँ पर शेयर किए गए हैं। मैंने तो आपको सिर्फ ग्लिम्स दिया कि हम क्या क्या पढ़ने जाने वाले हैं आगे, क्या क्या ओके आने ठीक वाला है है सर यहाँ। ठीक है सर यस तभी फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आईपी, सर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके इनोवेशन एंड न्यू नॉलेज कंट्रीब्यूट बिटवीन 50% to 80% ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। बिल्कुल सही है विथ सर एनी एफर्ट टू अचीव अ रोबस्ट सोसाइटी कंप्राइजिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियल प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करेक्ट ग्रोथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 50 to 80% एटी परसेंट दिस इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9। ये मैं आपको कह रहा था सर, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, करेक्ट इसको शॉर्ट में कहा जाता है SDG 9, SDG नहीं ओके सर विच स्टेट दैट विदाउट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, बिना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इंडस्ट्रियलाइजेशन विल नॉट हैपन, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, एंड विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट विल नॉट हैपन। बिल्कुल सर वही मतलब आप वहाँ बोलोगे ना इन्वेंशन और इन्वेंटिव स्टेप्स वाली बात आ गई। इन्वेंशन में आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इन्वेंटिव स्टेप्स में आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जी सर, तो
जब तक कि सर पहले इन्वेंशन नहीं हो तो इन्वेंटिव स्टेप नहीं आएगा, जी सर। तो वही चीज आई थिंक उन्होंने एक्सप्लेन किया सर यहाँ। तो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लिखा हुआ है, गोल नंबर 9 है, विदाउट यस सर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन विल नॉट हैपन, एंड विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट विल नॉट हैपन। डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट हैपन। यस तो डेवलपमेंट सर, के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आईपी राइट्स का प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जहां बहुत पर भी जरूरी। आईपीआर प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो नेशन बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि वहां पर एक दो तीन कंपनियां ही आगे बढ़ती रहेगी। हाँ जब सर, तक जिस कंट्री का आईपीआर डोमेन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंट्री में सारा पावर एक दो या 3% के पास ही रहेगा, और वो 3% पूरी कंट्री को कितना जल्दी आगे लेके जाएंगे, नहीं बहुत लेके कम, जा सकता सर। धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। तो इसी हाँ वजह सर, से आईपी राइट्स का आगे बढ़ना जरूरी है। आईपी राइट्स जितने इन्वॉल्व होंगे, उतना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस सभी लोग एक साथ में ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दो तीन लोगों ने ग्रो कर लिया और बाकी के लोग बस वैसे ही काम करते रहते हैं जैसे ही वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, मुझे भी अच्छी लगती है, इसलिए सर जो आप मांग रहे हैं ना, उसमें मैं ये लाइन को ऐड करूंगा फर्स्ट नहीं नहीं सर, पैराग्राफ ये बहुत अच्छी लाइन है सर, बहुत अच्छी लाइन। जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज द पावर टू डिस्टिंग्विश वन बिजनेस फ्रॉम अनदर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, एज वेल एज इम्प्रूव अ बिजनेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू जनरेट रिवेन्यू एंड जॉब क्रिएशन। ट्रू सर, बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अलग करता है और उसके कॉम्पिटिटर से भी अलग करता है। अगर एक कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट बना रही है, बट एक कंपनी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एक के पास नहीं है, तो डेफिनेटली जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके साथ ही कोई बिजनेस करना चाहेगा, क्योंकि जिसके पास बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है वो तो इन्फ्रिंज भी कर रहा होगा, सो हू नोस। कर दैट्स रहा व्हाई वो इन्फ्रिंजर के साथ कभी भी कोई बिजनेस नहीं करेगा। है। तो बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, एज वेल एज रिवेन्यू एंड जॉब बढ़ाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत ही सिंपल इंपॉर्टेंट। सर, सिंपल सी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा लाइसेंस आप सामने वाले को दोगे तो वो प्रोडक्ट की ग्रोथ भी रहेगी सर, एंड सेकेंडली आपको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अपना खुद का भी होता रहेगा, बिकॉज वन फॉर्म ऑफ रॉयल्टी और रिसीविंग, और जितने आप लाइसेंस दोगे उतना रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, जॉब भी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज तो बाकी लोग भी उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके कहीं ना कहीं मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो ट्रू इट्स एज सर गुड एज से। अब नया टॉपिक है द रिलेवेंस ऑफ आईपी एंड आईपीआर टू अ बिजनेस। इट शुड बी क्लियर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्रोडक्ट और प्रोसेस बिजनेस मेक्स और यूजेस और व्हाट सर्विस इट प्रोवाइड्स, दैट इज रेगुलरली यूजिंग क्रिएटिंग अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहां पर सभी जगह पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बीच में आएगी आएगी। अ बिजनेस शुड बी कंसिडर हाउ बेस्ट टू यूज द आईपी सिस्टम टू इट्स ओन बेनिफिट, रिमेंबरिंग दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मे असिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इट थस बिकम इंपोर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू आइडेंटिफाई ऑल द आईपी इट ओन्स और हैज एक्सेस टू। इट शुड एंश्योर दैट द आईपी इज प्रोटेक्टेड, मैनेज्ड एंड एनफोर्स्ड। आईपी को प्रोटेक्ट भी करना है, आईपी को मैनेज भी करना है, यानी रिन्यूअल फीस भी क्लियर करनी है, एंड एनफोर्समेंट में भी रखना है कि उसका यूज भी हो, आईपी से कुछ वर्थ भी जनरेट होना चाहिए। वही है सर, कमर्शलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर वो पेटेंट का यूसेज खत्म हो जाता है, एडवर्टाइज को कमर्शलाइज नहीं हो रहा था। ये हो गया। हाँ, देर आर एटलीस्ट फोर रीजन दैट एनी बिजनेस शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। फर्स्ट, आईपी प्रोवाइड्स यू विथ अ रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तो एक बिजनेस का एडवांटेज मिलता है आईपी से। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो विच आईपी यू ओन एंड विच आईपी यू नीड टू एक्सेस।
दो चीजें हैं बिल्कुल आईपी में, दो चीजें समझनी है, एक आपके पास कौन सी आईपी है, दूसरी आप दूसरों की कौन सी आईपी का यूज कर रहे हो, यानी उनसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले। तो आप किसी को अगर इन्फ्रिंज कर रहे हो या फिर आप किसी की ये लाइसेंस का यूज करना चाहते हो, तो पहले उनके पास से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मींस जिसकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। सर, वही चीज होगा कि फॉर एग्जांपल वाई टू रिन्वेंट ए व्हील। तो बेसिकली अगर आपको टाइम टू मार्केट करना है प्रोडक्ट को, तो इन दैट केस वी हैव टू गो विथ सपोर्ट ऑफ मदर्स। तो यहाँ पे आपकी अपने जो अपने एक आईपी ले ली हो तो है ही है, बट वो प्रोडक्ट नहीं बना, वो तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बना था। हमें पूरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो बाकी लोगों से हम ले कर सकते, टाइम में हम लॉन्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं उसको पूरे को बनाने का तो कई साल निकल जाएंगे बाय द टाइम दैट टेक्नोलॉजी विल गो ऑफ। सर इट्स इसमें ऑलवेज बेटर बहुत ही टू अच्छा एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि अगर आपने तीन स्टैंड वाली चेयर बनाई जिसके तीन बेज है, आपने एक चेयर बनाई जिसके तीन बेज है, मैंने एक चेयर बनाई जिसके चार बेज है, तो क्या मुझे जब भी मैं वो चीज को बेच रहा हूं, क्योंकि मैंने जो चीज बनाई वो चार पैर वाली है, बरोबर, तो बिल्कुल जब भी मैं उस पर्टिकुलर, देखिए आपने तीन पैर वाली चेयर बनाई, तो आपने बिल्कुल सर, तीन पैर वाली चेयर बनाई तो आप उसको बना भी सकते हो, आप उसको बेच भी सकते हो। बिल्कुल सर अगर मैं चार पैर वाली चेयर बना रहा हूं ना, तो मैंने ऑलरेडी पहले क्या किया, तीन पैर वाली चेयर को देखा था और अब मैं एक फोर्थ लेग उसमें ऐड कर रहा हूँ, एड ऑन कर रहा हूँ। एड ऑन कर रहा हूँ। हाँ तो फोर लेग वाली चेयर मुझे मिलेगी, मेरा आईपी प्रोटेक्शन रहेगा, बट मुझे पहले आपकी तीन लेग वाली चेयर के आईपी राइट्स की लाइसेंस लेनी पड़ेगी व्हेन एवर आई वांट टू मैन्युफैक्चर इट। समझ पा रहे हैं? ये केस लिखा हुआ है इसमें कि अगर ओके आपने इस तरीके से, अगर किसी ने तीन लेग वाली चेयर बनाई है और आप चार लेग वाली चेयर बना रहे हो, तो पहले तीन लेग वाली चेयर वाले के पास से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जाके आप एड ऑन करके उस फोर लेग वाली चेयर को बेच सकते हो। हालांकि फोर लेग वाली चेयर के आईपी राइट्स मेरे ही रहेंगे फिर उसमें ऐसा आप। क्यों करोगे जी सर, सर? बट सर इसका, क्योंकि जब आपको आईपी मिल गया एटलीस्ट इट इज समथिंग इनोवेटिव, तभी हाँ आपको सर, आईपी राइट्स बट मिले। सर वो आईपी मिलने के पहले मुझे तीन लेग तो लगाना ही पड़ेंगे ना, मैंने तो आपकी आईपी में एड ऑन किया है ना। अच्छा ठीक है, समझ गया सर, समझ तो गया वो समझ गया। सर, वो मुझे भी पहले ऐसा ही था कि चार लेग वाली मैंने अगर चेयर बनाई तो सारे राइट्स मेरे ही रहेंगे। नहीं समझ गया सर, मतलब वो तो आप एड ऑन कर रहे हो, तीन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तीन के लिए आपके वो अगले वाले की कॉपी आपके राइट्स आ गए, तो चौथा वाला हमारा है। तो अगर कोई कल चार लेग वाला बनाएगा वो हमसे लाइसेंस लेगा, जी, पहले ये तीन बात ये लेग बात है वाले सर। के लिए आपसे लाइसेंस लेगा और फिर फोर्थ लेग को ऐड करेगा। और तो लिखने भी हाँ जी, ये इसमें बताया गया है और वो भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि इस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकली एक एग्जांपल लेके बताया। सो इट नहीं। इज वाइटल दैट यू आर अवेयर विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समवन एल्स एंड विच राइट्स यू कुड इन्फ्रिंज अपॉन। तो किसी और की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। आईपी इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड मे बी करेक्ट रिफ्लेक्टेड सच ऑन योर बिजनेस बैलेंस शीट, देयर बाय इंक्रीजिंग योर बिजनेस वैल्यू एंड अट्रैक्टिवनेस फॉर एन इन्वेस्टमेंट सेल और मर्जर। मैंने जैसे कहा आपको कि गूगल जिस दिन बना होगा उस दिन उसके गूगल के ट्रेडमार्क की वैल्यू इतनी नहीं होगी, शायद 0 रुपीज ही मान लो कि जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ गूगल 0 रुपीज, कुछ नहीं होगा, बट जैसे जैसे ने लोगों ने उसको यूज किया और अभी इतने सारे बरस के बाद गूगल एक सर्च टर्म बन चुका है, सर्च इंजिन बन चुका है, तो अब बिल्कुल गूगल के ट्रेडमार्क की वैल्यू एज कंपेयर टू द फर्स्ट डे ऑफ द गूगल बहुत ज्यादा वेरी है। तो ये जो आईपी की वैल्यूज है वो बढ़ती है जैसे जैसे वो प्रोडक्ट ग्रोथ करता है, तो वो बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे आईपी की वैल्यू बढ़ती जाती है, सो दैट इज रिटर्निंग। तो ये चार, और वो भी ये बता रहा है सर कि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपकी जो अल्टीमेटली अगर आप कल अपने बिजनेस को बेचते हो तो आईपी इज प्लेइंग मेजर रोल इन वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ट्रू सर।
अगर किसी का बनाया हुआ बिजनेस है तो उसको आईपी राइट्स लेने ही लेने हैं। अगर वो आईपी राइट्स नहीं ले रहे हैं तो अपने बिजनेस में वो एक एड ऑन खो रहे हैं। ये बात ट्रू हो गई यहाँ से। अगर किसी के अगर आपकी कोई ब्रांड है, ब्रांड नेम है, तो अगर आप ट्रेडमार्क उसका नहीं ले रहे हो तो ये आपकी ग्रोथ में एक ऐसा होगा कि आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, स्टॉप कर रहे हो वहां से। लेकिन सर एक बार याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि अब आज के अग्रवाल स्वीट्स है, अब ये नाम इतने सालों से चले आ रहे हैं, तो इस नाम को जरूरी नहीं कि हम शुरू में कॉपी पे राइट लें, बाद में अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर हम जाए राधा देन अभी से उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि ये भी हमने डिस्कस किया था सर अगर आपको याद हो तो क्लासेस में, कि मतलब जब तक आपकी पॉपुलैरिटी नहीं आती है तब तक आप इन्वेस्ट मत करो। जब एक लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ लगता है कि हाँ सर अब जो है ये लोग हमारे जैसे बिस्लरी को बिलरी और समथिंग करके सेम लोगो टाइप कर रहे हैं, जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक ऑन टू नॉर्मल बिजनेस हम नहीं करते हैं। जैसे एक गेट्स अ मोमेंटम देन वी गो गो एड विथ ऑल दिस प्रोसेस। जी सर, ये सारे भी टर्म इसमें दिखाए गए हैं केस स्टडी के साथ में, और सभी बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने कहा आपको कि काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जहां पर आईपी राइट्स पहले प्रोटेक्ट करने होते हैं फिर बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल करो, काफी बिजनेस ऐसे होते हैं कि जहां पर आईपी सर, राइट्स बाद में स्टार्ट करो, पहले बिजनेस को स्टार्ट कर दो उसके बाद में आप आईपी राइट को प्रोटेक्ट कीजिए। और कोई कोई बिजनेस ऐसे भी होते हैं कि आईपी राइट साथ साथ में चलते हैं, तो वो तीनों टाइप के बिजनेस, तीनों टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक में फ्यूल सेल लिया गया है, एक में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लिए गए हैं, और एक कोई और भी एक तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट तीनों के तीनों केस स्टडीज आगे जाके पूरी यहाँ पर 10 घंटे हैं उसमें ये तीनों केस स्टडीज को समझाने की कोशिश की गई है। सो दैट इज रियली नॉट इंटरेस्टिंग पार्ट है वहां पर समझने के लिए। ओनली स्टडी पर्पस सर, अपने लिए भी एक काफी अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड कैची चीज है जो सर अपने हमने नहीं पढ़ा था, बट सर आप जिससे देख रहे हैं सर जो लिखा है आई बिलीव इट्स मार्वल, जिसने भी बनाया ना सर ये कोर्स मटेरियल, हेट्स ऑफ टू हिम सर, तो बहुत जी बढ़िया सर, बनाया सर। और इसमें सर एक है ना स्पेसिफिक काम है आईपी ऑडिट, तो अगर हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो हम किसी भी बिजनेस की आईपी ऑडिट कर सकते हैं। आईपी ऑडिट का मीनिंग है कि उस बिजनेस को जिस जो भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने आपने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस बिजनेस में कौन कौन से आईपी राइट आपको प्रोटेक्ट करने चाहिए, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन, आपने जिस तरीके से नाम रखा है अपने बिजनेस का या आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी कोई और पर्सन इन्फ्रिंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी किसी और की राइट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि नहीं है, नंबर टू। एंड नंबर थ्री उसकी लीगलिटीज, यानी अगर कोई किसी का हम आईपी राइट्स ले रहे हैं तो उसके लाइसेंस बनाने, उसके साथ एग्रीमेंट करना और उस एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए एक आईपी ऑडिट होती है सर, वो भी आगे आता सर है, ये भी एक अच्छा टर्म है। और ये आई थिंक सिमिलर टू आई थिंक वैल्यूएशन वाला टर्म है जो सर हम लोग पहले भी कोशिश कर रहे थे कुछ इससे हमारे को कोर्स मिल जाए करने का, तो आई थिंक वैल्यूएशन या ऑडिट की बात करें तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस ये होगा, आई थिंक सम टॉपिक्स का डिफरेंस होगा। वैल्यूएशन सर शायद वो कितना रुपये का बन गया है अभी, जैसे कि गूगल है तो वो कितने बिलियन रुपीस का बन चुका है, कितने बिलियन डॉलर का बन चुका है, वो वैल्यूएशन करना हो गया। आईपी ऑडिट का मीनिंग मेरे ख्याल से ये होगा कि उसको क्या क्या राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए उस बिजनेस को, पर्टिकुलरली जो भी बिजनेस है। सर वो तो करना ही, वही मैंने वही कहा सर वो तो करना ही चाहिए, बट ऑडिट के अंदर आप सर वैल्यूएशन वैल्यूएशन भी को भी करते ऐड हैं कर इसमें। सकते हो। हाँ वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा सर, अदरवाइज वो ऑडिट कंप्लीट नहीं होगी, कि मतलब अगर मैं एक कंपनी के साथ मर्ज करते हैं सर, हम क्या करते हैं पहले कंपनी को ऑडिट करते हैं, कि ऑडिट करने का हमें ये पता चलता है कि उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसने कुछ फॉर्जरी तो नहीं करके बैलेंस शीट में, मार्केट क्या ट्रेंड चल रहा है, उनके शेयर वैल्यू क्या है, वो सारी चीज ऑडिट करने के बाद हम एक पर्टिकुलर वैल्यू वैल्यू पे पहुंचते हैं, कंपनी की क्या वैल्यू उनसे परचेस करने की। तो जी आई सर, थिंक यहाँ भी ऐसा ही रहेगा कि सर मतलब जब एक आईपी ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन तो चाहिए ही चाहिए, प्लस बाकी भी चीजें चाहिए कि उसका इन फ्यूचर ग्रोथ है नहीं है, तो आने वाले 5 साल में कितना ग्रोथ रहेगा, वो तो वो भी सारी चीजें एड ऑन हो जाएंगी सर। जी सर, अब सर है
पेटेंट, आईपी एंड आईपीआर स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर आईपीआर की स्ट्रेटजी क्या है और बिजनेस की स्ट्रेटजी है, उसका ओवरव्यू दिया गया है। अब पेटेंट स्ट्रेटजी इज बट वन एस्पेक्ट ऑफ द आईपी स्ट्रेटजी। काफी टाइम कंफ्यूजन ये रहता है कि पेटेंट स्ट्रेटजी है वही आईपी स्ट्रेटजी है। नहीं, इट इज अ वन एस्पेक्ट ऑफ द आईपी स्ट्रेटजी कि पेटेंट आईपी अंदर, बट आईपी टर्म पेटेंट नहीं है उसके अंदर। पेटेंट आर नॉट रिलेवेंट फॉर आईपी फॉर ऑल बिजनेसेस। एज अ रिजल्ट, नॉट ऑल बिजनेसेस फॉलो द पेटेंट रूट टू सिक्योर आईपी राइट्स। तो सारे बिजनेसेस पेटेंट को ही सिक्योर नहीं करते आईपी राइट्स में। हाउएवर, दिस डज नॉट मीन दैट अ बिजनेस दैट प्रीक्लूड्स इट्स पेटेंट स्ट्रेटजी शुड एक्सक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ आईपी। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि जिन्होंने पेटेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लिया है वो बाकी के काम को भूल जाए। नहीं, वैसे ज्यादातर केसेस में बिजनेस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट से ज्यादा रिलेवेंट माना जाता है, क्योंकि पेटेंट्स जिनके पास है उनका इंपोर्टेंस ज्यादा बताया गया है। बट वो बात सही भी है, गलत भी नहीं है, बट उनके साथ में बहुत सारे राइट्स साथ साथ में चलते हैं। अगर पेटेंट कर लिया तो उसका राइट्स है, तो कल कुछ भी आपके अगेंस्ट में प्लान कर सकते हैं। जी सर, बट सर पेटेंट के साथ अगर आप ट्रेडमार्क भी लेते हो ना, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट तो सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च कर लिया, यानी आपकी ब्रांड की गुडविल बन चुकी है। तो अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया तो वो बहुत गलत चीज होगी। और सर पेटेंट जितने कंट्रीज में आप फाइल करोगे उससे ज्यादा कंट्री में आपको ट्रेडमार्क फाइल करना है, क्योंकि आप किस किस कंट्री में आगे जाने वाले हो वो सोच के आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो। करेक्ट। और अभी आपका चलेगा वो सोच के आप पेटेंट फाइल करते हो। तो पेटेंट डजंट मींस कि आप पेटेंट के लिए सपोज आपने 5 कंट्री सिलेक्ट की तो आप ट्रेडमार्क के लिए 50 कंट्री सिलेक्ट करोगे सर, क्योंकि आपका अगर एक प्रोडक्ट 5 कंट्री में सक्सेसफुल चल गया तो आप और भी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से बेच सकते हो पूरी दुनिया की मार्केट में, ऐसा ये कहना चाहता है। तो आपका अगर एक अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है तो आप अपने मार्केट को और बढ़ाओ, क्योंकि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आपकी वही रहने वाली है। हाँ, बस प्रोडक्ट चेंज होने वाले हैं एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी और नीड ऑफ द कंट्री टेरिटरी। समझ गया सर। तब यू मस्ट हाँ, एंश्योर इसमें दैट आपका ट्रेडमार्क का, जी सर। ट्रेडमार्क से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से अगर सोचा जाए तो सर ट्रेडमार्क बहुत इम्पोर्टेंट हाँ सर, वैसा पूरा इन्होंने बताया है, तो मैंने ये जब पढ़ा ना तब जाके मेरे माइंडसेट में ये सारी चीजें बैठ पा रही है। अभी पहले पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या क्या चीजें होगी खुलूच। एक ही मिनट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल काफी अच्छे हैं। जय भाई गया था। हाँ, यू मस्ट एंश्योर दैट यू आर एबल टू हैव एन एक्सक्लूजनरी मोनोपोली इन द एरियाज व्हेन यू प्लान टू कैरी आउट बिजनेस आइदर योर सेल्फ और थ्रू अ लाइसेंसी। तो ये जो बात है वो करेक्ट पेटेंट के बारे में है कि आपके पास आपके जो प्रोडक्ट के लिए आपने अगर स्नो को निकालने के लिए मशीन बनाई है कि स्नो को जो घर के ऊपर से या कार के ऊपर से निकाल देता है, तो इंडिया में उस करेक्ट मशीन की कोई जरूरत नहीं है। बट हालांकि वो मशीन की जरूरत हो सकता है कि बाहर के देशों में हो जहां पर स्नो बहुत ही हो रही हो, शायद कनाडा साइड पे बिल्कुल या सर। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर बहुत सारी बर्फ पड़ रही हो, रशिया साइड पे, तो वहां पर आपके आईपी प्रोटेक्शन होने चाहिए। या तो खुद ले लो या फिर किसी पर्सन को लाइसेंस दे दो, वहां पर दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये बिल्कुल पेटेंट सर। रेट के बारे में ज्यादा बात हो रही है। इन द केस ऑफ अ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज पॉसिबल दैट द फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी विल फाइंड प्रोटेक्शन वाया पेटेंट और अ ट्रेड सीक्रेट। द ट्रेड नेम ऑफ द फ्यूल सेल विल बी प्रोटेक्टेड वाया ट्रेडमार्क, द इंस्ट्रक्शन फॉर यूज असेंबली एंड एनी कंप्यूटर प्रोग्राम वाया कॉपीराइट, एंड द डिजाइन ऑफ द फ्यूल सेल मे बी एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन। तो यहां पर देखिए पूरा एक आईपी का
पूरा टर्म दिखाया गया है कि अगर आपको एक समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे कि फ्यूल सेल हम बना रहे हैं, तो फ्यूल सेल सर जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंट से प्रोटेक्ट होगी। फ्यूल बिल्कुल सर सेल की जो नेम है, फ्यूल सेल का जो हम नाम रखेंगे, दैट इज ट्रेड, ट्रेडमार्क भी कह सकते हो, ट्रेडमार्क भी कह सकते हो वहां पर। फिर उसकी जो बिल्कुल मैनुअल सर बनेगी कि किस तरीके से हमें फ्यूल सेल को यूज करना है, तो वो कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होगी। फिर जो बिल्कुल सर उसका डिजाइन होगा कि फ्यूल सेल कहाँ पर लगाना है, किस साइज का बनेगा, कैसे वो अट्रैक्टिव दिखेगा, या फिर उसकी यूजफुलनेस होगी कोई ना कोई डिजाइन एस्पेक्ट के थ्रू, तो वो सारे डिजाइन एस्पेक्ट में, जो उसका एस्थेटिक लुक है वो डिजाइन एस्पेक्ट में हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी आईपी राइट्स हुई एक प्रोडक्ट के लिए। तो एक तो प्रोडक्ट के साथ ये सारे राइट्स साथ साथ में चलते हैं। जब भी कोई एक पर्सन पेटेंट बनाता है, तो डेफिनेटली अगर वो पेटेंट वैल्यूएबल है तो उसको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड डिजाइन इस तरीके से प्रोटेक्ट करवाना ही पड़ेगा। तो आईपी बिल्कुल राइट्स हर बार एक साथ में चलते हैं, ये बात तो तय हुई। अगर एक सही वाली पेटेंट हाथ में लग गई हमारे, तो उसको ये तीन चार काम तो और करने ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक योर बिजनेस कैन यूटिलाइज योर इंटेंजिबल एसेट आईपी एंड आईपीआर टू क्रेव आउट एन एक्सक्लूजनरी राइट, एंड इन दिस वे यू कैन डेवलप एन इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर डिफाइंड पीरियड। तो यही बात हो गई कि एक बिजनेस की स्ट्रेटजी के लिए आईपी की स्ट्रेटजी किस तरीके से डिफाइन हुई। तो हमने एक फ्यूल सेल का एग्जाम्पल देखा, जिसमें फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी पेटेंट के थ्रू, उसका नाम ट्रेडमार्क के थ्रू, उसके जो मैन्यूअल्स है वो कॉपीराइट्स के थ्रू, एंड जो उसकी डिजाइन है वो डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल आईपी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी आर इंटीग्रल टू ईच अदर विथ चेंजेस इन वन अफेक्टिंग द अदर। आईपी और बिजनेस स्ट्रेटजी को वो दोनों एक दूसरे के इंटीग्रल है, एक को आप चेंज करोगे तो सर दूसरा चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली सर तो अब सर ये हुआ हमारा आज के सेशन का बस एंड ही होने वाला है, और हर एक सेशन के एंड पे इन्होंने एक क्विज भी रखी है ताकि हमें पता ओके चले सर कि हमने जो पढ़ा है वो सही में हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, मैडम भी है क्या, राजलक्ष्मी मैडम, आर यू देयर, सुन रहे हैं आप? जी सर। मैडम आप ही के थ्रू, आप बिकॉज ऑफ यू ये जो हमने पढ़ा, इतना सारा चीजें समझ में आ रही है, बहुत सारी अच्छी चीजें हमें एक्सप्लोर करने को मिली, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यार आपने ये वेलकम सारे सर। वीडियोस देखे? समय अभी ऑलमोस्ट 70% तो हो गया है, बाकी है सर थोड़ा बहुत। 70%। ओके जी 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 मैम, तो आईपी क्विज ऑडिट और बाकी मॉड्यूल 7 और 8 बचा है। बहुत बढ़िया। तो क्विज वन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 9, विदाउट फिल इन द ब्लैंक एंड इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल नॉट हैपन, एंड विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट विल नॉट हैपन। तो यहां पर क्या आएगा सर, अश्विनी सर? विदाउट आईपी बड़ा तो सर बहुत अच्छा है, उत्तम याद नहीं आ रहा, वो क्लिक हो रहा सर, रिकनेक्ट हो रहा, बट एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे अभी। विदाउट आईपी एंड आईपी होना चाहिए आई थिंक सर, वहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। हाँ या ये रहा सर, मतलब विदाउट टेक्नोलॉजी। हाँ सर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, हाँ सर एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी, करेक्ट सर टेक्नोलॉजी बोल रहे। वापस आ जाता हूँ क्विज पे। विदाउट टेक्नोलॉजी एंड यस सर इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल नॉट हैपन, एंड विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पर लौटता है। हाँ, तो हर एक बिजनेस के लिए एक पूरी आईपी की स्ट्रेटजी होती है। वो मैं, आपने जो स्लाइड मांगी है उसमें मैं सेकंड पॉइंट वही बताऊंगा कि एक प्रोडक्ट के लिए किस तरीके से एक पूरा आईपी का सिस्टम लगता है। तो ये जो फ्यूल सेल वाला जो बिल्कुल एग्जांपल है वो सेकंड पैराग्राफ रहेगा सर, और थर्ड पैराग्राफ में अपने जो फॉर्म है आईपी प्रेनियर करके जो है उसका नाम रहेगा, और फिर हम उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे कि यहाँ पर हमारे पास इतनी इतनी एक्सपर्टीज है। क्लियर सर? यस सर
जी अब दूसरा है क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड सच एज न्यू इन्वेंशन, सिंबल्स, लोगोस, नेम्स एक्सेट्रा। इफ अ सर्टेन स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, देन द आईपी में फाइंड प्रोटेक्शन एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेंशन मे बी प्रोटेक्टेड बाय ए फिल इन द ब्लैंक, अ सिंबल और अ लोगो और अ नेम मे बी बाय ट्रेडमार्क। तो या इन्वेंशन पेटेंट आना चाहिए सर। सर, तो इन्वेंशन पेटेंट से प्रोटेक्ट होता है, सिंबल, लोगो, नेम ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट। ट्रेड बॉक्स हो जाएगा सर, हाँ, जो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो कॉपीराइट से प्रोटेक्ट ये होता है। कॉपीराइट होगा सर। हाँ, वो हाँ, एंड उसका जो एस्थेटिक लुक है वो डिजाइन। डिजाइन से आ जाएगा जी सर। सर। नेक्स्ट है, अ बिजनेस स्ट्रेटजी एंड एन आईपी स्ट्रेटजी आर काइंड ऑफ एनालॉगस टू द चिकन एंड एग। यहाँ पर एक, ये सर जो जब ये वीडियो देख रहा था ना, तो उन्होंने ये यही बताया है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि आईपी स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी भी ऐसी ही बात है कि पहले क्या प्रोटेक्ट करना, पहले आईपी स्ट्रेटजी प्रोटेक्ट करनी या पहले बिजनेस स्ट्रेटजी प्रोटेक्ट करनी। ये एक सिनारियो उन्होंने कंपेयर किया है और लिखा है, एन इफेक्टिव आईपी स्ट्रेटजी शुड इनेबल योर फिल इन द ब्लैंक स्ट्रेटजी, एंड अदर वर्ड यू मस्ट एंश्योर दैट यू हैव एन एक्सक्लूजनरी मोनोपोली इन एरिया व्हेन यू प्लान, व्हेन यू प्लांट। कैरी होता है बिजनेस तो क्या आएगा सर यहाँ पर, एन इफेक्टिव आईपी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बिजनेस आएगा सर यहाँ पे। हाँ बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर आपकी इफेक्टिव आईपी स्ट्रेटजी है तो वो आपके बिजनेस को इनेबल कर देगा, बिजनेस को करेक्ट आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होगा वैसे वैसे आईपी स्ट्रेटजी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आज के लिए हमने ये पूरा एक जो इसका मॉड्यूल था वो कवर किया। वैसे इसके 8 मॉड्यूल्स हैं और हम ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे हम एक या आधा मॉड्यूल कवर कर पाए। सर, तो ये हो अब जाएगा तो मेरे एग्जाम पास हो जाएंगे सर। नहीं सर, ये वाली तो टफ होगी सर एग्जाम, और भी टफ होगी, हालांकि हम इट्स नॉट इसको गोना ट्राई बी इजी, इट इज नेवर इजी। मानो करेंगे। कि 30 क्वेश्चंस है, बट अटेम्प्टिंग दोस 30 क्वेश्चंस इज नॉट दैट इजी। जी मैडम, जी मैडम, मैम सर, वो अपना आईपीआर का एग्जाम भी इतना इजी नहीं था जब हमने दिया था, तो बट एक मैम कॉन्फिडेंस तो था अपने को, हम लोग कर लेंगे। तो आई थिंक जिस हिसाब से हम लोग अटले से फर्स्ट चैप्टर लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं मैम, लाइक सर कर नॉट सकते, एंड डेफिनेटली सर अगर यहाँ से फेल भी हुए ना सर, तो भी बहुत सारा आई ओपनिंग सिनेरियो लेके जा रहे हैं हम सर यहाँ से, वो तो डेफिनेटली है। ये काइपो के जो कोर्स है ना सर, बहुत ही प्रिसाइजली उन्होंने ऐसे डेवलप किए हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा बिगिनिंग से उनको आईपी के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा चेंज हुआ है ये चीजें देखने के बाद। हर एक केस को कैसे समझना चाहिए और केस टू केस कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, वैसे ही आईपी वर्क करता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई चीज है। शायद मैं आपको इतना एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे मैंने आपको 3 लेग एंड 4 लेग वाले चेयर का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने वो सर, बंदर का एग्जाम्पल दिया कि बंदर ने फोटो निकाली थी अपनी, वो सारे एग्जाम्पल्स केस स्टडीज को देखना होता है और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। ये जो विजन है वो मुझे यहाँ से मिल गया है सर, बहुत ही अच्छी तरीके से मिला है, उससे पहले मेरे पास ये विजन नहीं था। जब आपने स्टार्ट भी किया था ना सर, तब तो मुझे भी लगा था सर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आईपी एंड आईपीआर का जो डिफरेंस है, इन्होंने स्टार्ट किया है ना, वो खुद ही समझ में आता है कि सर उन्होंने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया होगा है, तभी इस तरह से इन्होंने डिफरेंशिएशन और इस लेवल तक आए सर। जी सर, और हर एक केस स्टडी को रखा है सर इसके अंदर, जो केसेस यस हो सर, चुके हैं, एक्चुअली हो चुके हैं, उसको एनालाइज किया गया है। तो ये कोर्स जब ये एंड होगा 10 दिन के बाद, तो बहुत सारे और नए नए एरिया को एक्सप्लोर कर देगा, जो डार्कन एरिया थे, जो हमने अभी तक वो विजन को देखा भी नहीं था, वो विजन एक्सप्लोर कर देगा सर। और डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करने के बाद अगर हम किसी के साथ बैठेंगे और बात करेंगे, तो एक अलग सी ही एक्सपर्टीज नहीं बाहर आती है बिना इसको पढ़े। तो दोनों में डिफरेंस बिल्कुल है सर। सर।
तो मैडम ने भी क्या किया है, तो मैडम आपके आपके भी क्या एक्सपीरियंस रहे ये काइपो का ये करके, मीन्स इतना आपने 70% किया उसमें? मैंने पहले भी ये कर चुकी हूँ, तो आई हैव अ नॉलेज अबाउट ऑडिटिंग, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग. पर कंपेयर टू बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, द सिलेबस स्ट्रक्चर हैज चेंज ड्रास्टिकली, टू बी फ्रैंक. और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन और द इंफॉर्मेशन इज टोटली एंटायरली डिफरेंट, एंड दे हैव अपडेटेड देमसेल्फ विद द न्यू केस स्टडीज. एंड That is really बहुत अच्छा है सर, इस बार सिलेबस बहुत ही, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इट्स समथिंग बियॉन्ड व्हाट यू सी. Yes. तो डेफिनेटली इसको हम डेली बेसिस पे 39 से पहले कट करने की कोशिश करेंगे, और 21 को अश्विनी सर की एग्जाम है, तो कल मैं सर सुबह 11 बजे से 12 बजे एक सेशन ले लूंगा जिसमें आप सर जब भी फ्री होंगे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपकी 21 की स्वयं पोर्टल की एग्जाम के लिए सेशन रख दूंगा कल सुबह। कल रात को ये सेशन रहने ही वाला है जहां पर हम सेकंड मॉड्यूल से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर। सर।